वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रियंका सिंह, आप लोग देख रहे हैं प्रियंका सिंह 555। आज मैं वाव का हेयर स्ट्रेटनिंग शैम्पू का रिव्यू देने जा रही हूँ, जिसे मैंने 10-15 दिन से मैं यूज कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने लिया था इसे, और इसका रिजल्ट जो मैंने फील किया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने इसे खुद के पैसे से परचेस किया है, मैं इस ब्रांड का ऐड नहीं कर रही हूँ। खुद के पैसे से ख़रीदा है तो खुद के ऊपर मैंने जो फील किया है, अच्छा लगा है मैं वही बोलूँगी, और क्या अच्छा नहीं लगा मैं वो भी बोलूँगी। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी पैकेजिंग की। तो ये मैंने जब परचेस किया है पूरा ऐसे ही था, इसके ऊपर पारदर्शी एक हल्का सा प्लास्टिक का कवर था जो मैंने यूज करने के टाइम में मुझे निकालना पड़ा, और कुछ इसके साथ बॉक्स वगैरह आता है ना वैसा कुछ नहीं था, ये पूरा ऐसे ही था। तो यहाँ पर ये है वाव का हेयर स्ट्रेटनिंग शैम्पू, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह का डिटेल्स दिया हुआ है, और तो इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। और ये स्प्रे बहुत स्प्रे टाइप का है। इसका अच्छा बात ये है कि इससे आप जितना चाहोगे आपके हाथ में उतने ही शैम्पू आएंगे, और ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो अच्छा लगता है। और इसका अच्छी बात क्या है ना, इसको आप ऐसे घुमा के लॉक भी कर सकते हैं, और ऐसे करके आप इसको ऑन कर सकते हैं, ताकि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको इसे लेके जाना है तो आप इसको अच्छी तरह से लॉक कर सकते हैं, ये गिरेगा या लीक नहीं होगा। यहाँ पे अच्छी तरह से इसका अच्छी तरह पैक किया हुआ है, इधर से लीक नहीं होगा आपका शैम्पू, और इधर का जब आप लॉक कर देंगे तो इधर से भी लीकेज होने की कोई डर नहीं रहेगी। तो आप अगर इसे लेके ट्रैवलिंग करते हैं तो भी सही है, किसी तरह का डर नहीं है आपको, आप आराम से ट्रैवल। ये पूरी तरह ट्रैवलिंग फ्रेंडली है, और इसका क्या है कि इसमें पूरी तरह नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह का जो होते हैं ना, पूरी तरह भेज है, किसी भी एनिमल वगैरह का इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है। तो इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए, और पूरी तरह नेचुरल है, और इसमें नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये मेड इन इंडिया है, तो यूज करना बनता है, और मेड इन इंडिया है, और इसके जो फ्लेवर है ना, इसके जो महक है वो रोज़ बेरी के हैं, जो हल्की धीमी सी खुशबू आती है, और साथ साथ इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स ऐड किए गए हैं रोज़ बेरी और टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज किए गए हैं। तो ये पूरी तरह नेचुरल है और सेफ्टी के साथ बनाया गया है। ये आपके हेयर के विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लमों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, जैसे आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई रूखे हैं, और या आपके सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, या आपकी जो स्कैल्प होती है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से इचिंग आती है, इचिंग की वजह से हमारे हेयर फॉल होते हैं, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये शैम्पू दावा करता है कि ये आपके ड्राई हेयर को नॉर्मल करेगा, और आपके हेयर के पीएच लेवल को भी ये मेंटेन करके रखेगा। आपकी अगर आपकी बाले बहुत ज़्यादा रूखी रफ हो गई है, डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर करेगा। साथ साथ आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, इचिंग होती है, उसको भी ये मेंटेन करेगा। साथ साथ आपके हेयर पे जो डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं उससे भी ये बहुत जल्दी छुटकारा देगा। ये मेरे सर पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बहुत जल्दी हावी हो जाता है, तो मैं करती हूँ, तो मैंने जब से यूज किया तब से मेरे कम से कम 50% से ज़्यादा डैंड्रफ कम हो चुके हैं। अगर उम्मीद करती हूँ अगर मैं इसे और आगे तक यूज करूँगी तो पूरी तरह क्लीन हो जाए। तो ये बहुत अच्छा मुझको एक्सपीरियंस हुआ है इसके साथ। मैं इसे 10 से 15 दिन से यूज कर रही हूँ, और मैं एक दिन गैप दे के एक दिन या दो दिन गैप में मैं शैम्पू ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी मुझे डैंड्रफ हो जाती है। तो लेकिन मैं जब से इसे यूज कर रही हूँ तो ये बहुत मुझको लग रहा है बहुत ज़्यादा कारीगर है, काम कर रहा है ये अपना, तो एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। साथ साथ इसकी बोतल प्लास्टिक की है, अगर आपके हाथ से छूट जाती है तो ये गिरने या टूटने का कोई डर नहीं है, पैकेजिंग अच्छी है। और इसकी ये जो बोतल है ना 300 ml की है, और इसका प्राइस है 499 का, और अगर आप किसी शॉप से आप इसे परचेस करते हैं तो 499 में
ही मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं बहुत सारे साइड है, अगर वहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम में भी मिल सकता है। तो आप ऑनलाइन परचेज करें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और साथ साथ यहाँ पे शैम्पू को किस तरह से यूज करना है वो डिटेल्स में दिया हुआ है, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स दिए गए हैं कि शैम्पू को किस तरह यूज करना है और कितने दिन गैप में यूज करना है। साथ साथ यहाँ पे आपके ये वाव की फेसबुक आईडी का डिटेल्स दिया हुआ है और ये कहाँ पे बनता है, ये सब वगैरह से, ये सब डिटेल्स में कुछ एड्रेस वगैरह दिए हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा फ़ोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं तो अगर आपको ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेना है तो आप इधर कॉल या मेल करके आप जान सकते हैं। तो इस तरह का है ये पूरा पैकेजिंग। और हाँ, अंदर इसका क्या है कि थोड़ा पारदर्शी है, ये किसी भी कलर का नहीं है, पूरा वाइट जेल टाइप का, जेली जेल टाइप का शैम्पू है। साथ साथ ये जब हम यूज करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा झाग नहीं देता है। जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज किया तो मुझको लगा कि कुछ बोतल देख के लगता है ना कुछ अलग सा। मैं हमेशा झाग वाला ही शैम्पू मुझको मिला है, सब तो ऐसे ही यूज करते हैं ना। अपने अपने तरफ से सब बेस्ट ही प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं या यूज करते हैं, लेकिन मुझको आज तक अभी तक मैंने कुछ ऐसा शैम्पू यूज नहीं किया था जिसमें पैराबिन या केमिकल वगैरह ना हो ज़्यादा। लेकिन मैंने जब इसे यूज किया फर्स्ट टाइम में तो मुझको कुछ ज़्यादा झाग वग नहीं आए, तो मुझको अच्छा नहीं लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया। लेकिन जब जब मैंने दो बार मैंने रिपीट किया शैम्पू को, उसके बाद जब ड्राई हुआ बाल को तो क्लीन उतना झाग, सेकेंड टाइम में भी मैंने जब शैम्पू यूज किया तो मेरे सर पे उतने सारे झाग नहीं आए जितने नॉर्मल शैम्पू यूज करने में आते हैं। तो मुझको लगा ये शायद मेरे लिए नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब बालों को जब मैंने ड्राई किया उसके बाद मैंने देखा मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। अब देखिए मेरे बाल में एक साइन भी आ गया है पहले के मुताबिक, और बालों की जो ड्राइनेस है वो भी थोड़ी बहुत मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा सॉफ्ट और स्मूथ फील हो रही है। अगर मैं इसे कंटिन्यू रखती हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि ये मुझको और भी मेरे बालों को रिपेयर करेगा। लेकिन इसका थोड़ा क्या है ना कि नॉर्मल शैम्पू से इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल शैम्पू क्या होता है ना, हम लोग एक बार यूज करते हैं बहुत सारे झाग वगैरह आते हैं तो हम लोग को लगता है हाँ हमारे बाल हमारे हेयर पूरी तरह अच्छी तरह क्लीन हो चुके हैं। लेकिन इसमें झाग नहीं आते हैं तो थोड़ा लगता है कि झाग नहीं आया, शायद मेरे हेयर पर ऑयल अभी भी टिके हुए हैं या स्कार्फ अच्छी तरह से क्लीन नहीं हुआ है। तो अभी ये शैम्पू थोड़ा मात्रा में ज़्यादा लेना पड़ता है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। और ये बहुत इजी तरीके से साफ हो जा रहा है, इसमें ज़्यादा पानी की इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, नॉर्मली 2-3 राउंड में ही आपकी पूरी शैम्पू बाहर निकल जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक कुछ होते हैं ना बहुत ज़्यादा चिपचिपा वगैरह जो चिपकते हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो क्लीनिंग करना भी बहुत इजी है, बहुत आराम से क्लीन हो जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इस शैम्पू को यूज करने का तरीका मैं बता दे रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपको पूरे बालों को अच्छी तरह से गीला कर ले, अपने बालों को अच्छी तरह से गीला करने के बाद इस शैम्पू को अच्छी तरह से हाथों में ले और ऐसे से रब करके पूरे स्कॉल्प पे आपको राउंड सर्कल में हल्के हाथों से मसाज करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप पानी से जाके आप जैसे शैम्पू करते हैं वैसे करके आप क्लीन कर लें। आप बालों को अच्छी तरह से क्लीन कर ले, ड्राई कर ले। अगर आपके सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, आप बाहर जाते हैं, आपकी धूल मिट्टी या प्रदूषण, जैसे कितनी महिलाएं होती है जो बाहर जाती है रेगुलर, तो उनको डेली भी आप शैम्पू कर सकते हैं। शैम्पू करने से बाल डैमेज नहीं होते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को यूज करते हैं कर रहे हैं वो केमिकल उसमें बहुत कम होनी चाहिए, केमिकल की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो वो डैमेज करते हैं, वो आपके बालों को ख़राब करेंगे। तो आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिसमें केमिकल ना हो। आप अपने पसंद का आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, या आप अपने फेवरेट जो भी शैम्पू आप करें। लेकिन आप अगर बाहर जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल स्वस्थ और सुंदर बना रहे तो आप अपने बालों को हमेशा क्लीन और साफ़ सुथरी रखें। आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है और आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने के बाद आप हेयर सीरम लगाना ना भूलें।
क्योंकि महिलाओं के बाल बहुत लंबे होते हैं और जो टाइम नहीं होता है स्पेशल केयर करने के लिए। तो अगर आप अच्छे ब्रांड के शैम्पू यूज करते हैं या केमिकल जिसमें कम हो ऐसा शैम्पू यूज करते हैं, उसके बाद बालों को अच्छी तरह ड्राई करने के बाद आप हेयर सीरम जरूर लगाएं ताकि आपके बालों की अच्छी तरह देखभाल हो सके, आपके डैमेज बालों को रिपेयर किया जाए, या रूखे और दो मुंहे बालों से बचने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने बालों पर। आम शैम्पू के मुताबिक इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा लेना हो पड़ रहा है शैम्पू करने के लिए, तो ये जल्दी ख़त्म होगा। तो क्या बोले, 300 ml का शैम्पू 500 में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल ये मुझे ठीक लगा। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा शैम्पू परचेस करने के लिए, आप आराम से कर सकते हैं। और हाँ, ये अगर जिनकी आजकल तो फैशन चला है सबके बाल हेयर स्ट्रेटनिंग है, जिनके हेयर स्ट्रेट है वो ये शैम्पू आराम से बेझिझक यूज कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है और उनके हेयर स्ट्रेटनिंग को कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, तो उस सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये रहा मेरा आज का रिव्यू। अगर मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।